वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई। उसके लिए हमने ले लिया है फिश, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, ऑयल और गरम मसाला। सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, लेमन जूस डाल देंगे 1/2 लेमन और ऑयल डाल देंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम इस तरह हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसे फिश में लगा देंगे। अब हम फिश के ऊपर मसाला इस तरह लगा लेंगे अच्छे से और इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड भी मसाला अच्छे से लगा लेंगे। इस तरह आप सभी फिश में लगा लेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इस तरह हमने फिश में मसाला लगा दिया है और अब मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। 20 टू 25 मिनट्स हो गए हैं, हमने फिश को मैरिनेट कर लिया है अच्छे से। अब हम पैन गरम करेंगे और उसमें 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम फिश इसमें डाल देंगे इस तरह। मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम पलट देंगे इसे इस तरह। इस तरह हमारा फिश एक तरफ से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे दूसरी साइड से भी पलट लेंगे। फिश बहुत जल्दी पक जाता है और हमने इसे मैरिनेट करके भी रखा था तो ये जल्दी पक जाएगा। हम देख सकते हैं ये दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, अच्छे से फ्राई भी हो गया है। इस तरह हमारा फिश फ्राई तैयार है। सबसे पहले मैं फिश फ्राई को एक प्लेट में निकाल लूंगी इस तरह। हमने फिश फ्राई को प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसको गार्निश करेंगे। हम सेम पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाल लेंगे और ऑयल गर्म होने पर 3 से 4 लंबे कटे हुए मिर्ची डाल लेंगे, 1 प्याज डाल लेंगे बारीक कटा हुआ और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इस पैन में ऑलरेडी मसाला लगा हुआ है तो हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे कुछ। इस तरह हम हल्का भून लेंगे प्याज को, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे और उसके बाद बारीक कटा हुआ कैबेज डाल लेंगे और इसे भी हल्का भून लेंगे इस तरह। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए और इसे मिला लेंगे इस तरह और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने पका लिया है कैबेज को, अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और लास्ट में फ्रेश कोरिएंडर बारीक काट के डाल देंगे। इस तरह हमारा सीजनिंग तैयार है। इस तरह हमारा फिश फ्राई विद सीजनिंग रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।